हम देखते हैं कि आर्च एंजल ग्रैंड प्रीस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल्स रानी पे अपना ऑलमाइटी स्माइट अटैक शूट करता है। मदर ऑफ ऑल एंजल्स रानी दर्द से कर रही होती है। ग्रैंड प्रीस्ट मदर ऑफ ऑल एंजल्स की तरफ देख के बोलता है कि मदर, आप जितना इस अटैक से बचने की कोशिश करेंगी, ये आपके लिए उतना ही ज्यादा दर्दनाक होता जाएगा। आर्च एंजल डाई ने अपने मदर के हाथ को बहुत ही टाइट तरीके से पकड़ा हुआ होता है ताकि वो उसके चंगुल से बचकर भाग ना पाए। ऑल माइटी स्माइट एक ऐसा अटैक है जो कि सिर्फ एक आर्च एंजल ही इस्तेमाल कर सकता है, और ये अटैक जिस भी इवल एंटिटी से टकराता है उसे तबाह कर देता है। और ग्रैंड प्रीस्ट के हिसाब से ये अटैक किसी को भी डीमन रैम के बॉटम लेवल यानी कि सेक्टर 10 तक पहुंचा सकता है। हम देखते हैं कि मदर ऑफ ऑल एंजल्स दर्द से कर्रा रही होती है और बोलती है कि रुको डाई, रुको, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम हम दोनों को ही खत्म कर दोगे, तुम बेवकूफ। डीमन एम्परर रानी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो अपनी दोनों आंखें भी नहीं खोल पा रही होती है। डाय को रानी की किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता। डाय बिल्कुल इमोशनलेस तरीके से बोलता है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा रानी, ये इकलौता तरीका है तुम्हें बचाने का, सभी को बचाने का। जहां डाय ने एक तरफ अपनी मदर को ऑलमाइटी स्माइट में पकड़ा हुआ होता है, वेजिटो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वेजिटो बोलता है, डाय तुम धोखेबाज कहीं के, मैं तुम्हें मेरे खाने को तबाह नहीं करने दूंगा। वेजिटो जो कि कुछ देर पहले तक खुश था कि डाय खुद को पहचान गया है और अब उसका लड़ाई में साथ दे रहा है, अब वेजिटो की खुशी दूसरी तरफ पूरे तरीके से मिट चुकी होती है। हम देखते हैं कि इसके बाद वेजिटो एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। वेजिटो बोलता है, डाय तुमने गलत दाव चल दिया, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा, तुम यही मरोगे। वेजिटो के पास ज्यादा समय नहीं रह गया है क्योंकि डाय और रानी कभी भी डीमन रैल के सेक्टर 10 में जा सकते हैं। वेजिटो अपने अटैक को बहुत ही तेजी से चार्ज करता है। उसके अटैक में से हर तरफ से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। आखिरकार वेजिटो का अटैक तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने अटैक को ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ शूट करता है। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तक जल्दी पहुंचो। हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक बहुत तेजी से ग्रैंड प्रीस्ट और रानी की तरफ बढ़ रहा होता है। आखिरकार वेजिटो का अटैक ऑलमाइटी स्माइट से टकरा जाता है, पर हम देखते हैं कि ऑलमाइटी स्माइट को वेजिटो के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वेजिटो का अटैक टकराकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है और पूरे तरीके से बेकार हो जाता है। वेजिटो का अटैक डार्क एनर्जी से बना है और डिवाइन एनर्जी को वो तोड़ नहीं सकता। वेजिटो अपने अटैक को बेकार होता हुआ देख के एकदम से हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। वेजिटो सोच रहा था कि उसका अटैक ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को किसी भी तरीके से तबाह कर सकता होगा, क्योंकि वेजिटो के हिसाब से वो ग्रैंड प्रीस्ट को दो बारी हरा चुका है, इसीलिए वेजिटो का ये सोचना भी गलत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट हंसने लग जाता है और बोलता है, ओ वेजिटो तुम बेवकूफ मॉर्टल, माफ करना सयन, पर ये ताकत सिर्फ मेरी नहीं है, ये ताकत एक आर्च एंजल की है जो कि खुद एकोबेल ने मेरे पास भेजी है, ना ही तुम और ना ही मैं, इस अटैक को शुरू होने के बाद कोई भी नहीं रोक सकता, अलविदा। तभी वेजिटो चिल्लाता है, नहीं। पर वेजिटो के चिल्लाने से अब कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं कि एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है ठीक उसी जगह पर जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट और रानी खड़े हुए थे। ये अटैक इतना खतरनाक और चमकदार होता है कि वेजिटो का चेहरा पूरे तरीके से वाइट हो जाता है। वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने अपने सामने ये सब कुछ कैसे होने दिया। धमाका खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जमीन बिल्कुल समतल रह जाती है और हर तरफ धुआं उठ रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट, मदर ऑफ ऑल एंजल्स रानी और वेजिटो तीनों ही कहीं पर नहीं दिख रहे होते। तभी हम आखिरकार वेजिटो की बैक साइड को देखते हैं। हम उसके पंख और पैर देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने चेहरे को अटैक से बचा रहा था। वेजिटो बोलता है, नहीं नहीं, उसने सच में वो कर दिया। वेजिटो आखिरकार मान लेता है कि उसे काफी ज्यादा देरी हो गई। तभी वेजिटो को धुएं के अंदर कुछ दिखाई देता है। वो एकदम से बोलता है, रुको। वेजिटो को धुएं के अंदर एक नहीं बल्कि दो शेडोज दिखाई दे रही होती है। वेजिटो बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इतना लकी था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अटैक किसी वजह से फेल हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्माइट सच में डीमन रैल में काम ही ना करता हो? तभी हम मदर ऑफ ऑल एंजल्स रानी को देखते हैं। हम देखते हैं कि रानी अपने डीमन फॉर्म से बाहर आ चुकी होती है और एक नॉर्मल एंजल की तरह लग रही होती है। रानी खुद भी बहुत ज्यादा हैरान लग रही होती है और बोलती है कि हम कहाँ पर हैं? हम जहाँ थे हम वहीं पर हैं, पर मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। हम देखते हैं कि डाय ने अभी भी रानी का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो अभी भी अपनी आर्च एंजल की फॉर्म में होता है। तभी रानी चिल्लाती है, डाय तुमने ये क्या किया। रानी को एकदम से ही अपनी विजन, पावर और अपीयरेंस में चेंज महसूस होने लग जाता है। रानी एकदम से ही घबराने लग जाती है क्योंकि वो अपने डीमन ताकतों को महसूस नहीं कर पा रही होती है। उसका डीमन आर्मर और उसकी रेड सेरेफिम आई दोनों ही गायब हो चुकी होती हैं। साथ ही साथ उसके डीमन हॉर्न्स भी उसके सर से गायब हो चुके होते हैं। रानी अब अपनी ओरिजिनल एंजेलिक फॉर्म में वापस जा चुकी है। रानी एकदम से चिल्लाती है, मुझे छोड़ो। डाय जो भी करना चाहता था वो अब वो कर चुका है।
इसलिए वो रानी के हाथ को छोड़ देता है। रानी अपने नॉर्मल एंजेलिक हाथों को देख रही होती है और घबराते हुए बोलती है, मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा, आखिर ये कैसे हुआ। रानी एकदम से ही अपने घुटनों पे गिर जाती है, जैसे कि उसके अंदर से उसकी सारी एनर्जी को खींच लिया गया हो। ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि रानी लगातार पागल होती जा रही हो। वो अपने हाथों को देखते हुए बोलती है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया बेटा, कुछ बोलो भी। तुमने कहा था कि स्माइट हमें नीचे सेक्टर 10 में भेज देगा, तो फिर मैं यहीं पर क्यों हूँ और मेरा डेविल जीन कहाँ है। वेजिटो अपनी हारी हुई मदर की तरफ देख रहा होता है और जवाब देते हुए बोलता है, द ऑलमाइटी स्माइट। बिल्कुल सही, कोई भी एवल या फिर डिमोनिक क्रीचर अगर उसे छूता है तो उसे मिटा दिया जाएगा और डीमन रैल के सेक्टर 10 में भेज दिया जाएगा। एक एंजल होने के नाते मैं उससे इम्यून हूँ और आप मदर जो कि एक एंजल हैं जिसे इस डेविल जीन ने पोल्यूट कर दिया है, इसीलिए आप भी उससे बच गई, पर आपकी डेविल पावर्स उससे नहीं बच पाई। मैंने आपकी डार्कनेस को मिटा के एक बारी फिर से आपको शुद्ध कर दिया है। डाई इसके बाद अपनी मदर की तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है। डाई बोलता है कि मैं अपने दिल में ये मानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मुझे मेरी माँ का जो भी रूप दिखाया वो मेरी असली माँ बिल्कुल भी नहीं थी, वो बस एक रूप था जिसे डेविल ने पूरे तरीके से पोल्यूट कर दिया था, बिल्कुल लूसिफ की तरह। पर अब आप जब एक पूरे तरीके से एंजल बन गई हैं तो मुझे विश्वास है कि हम दोनों अपने माँ बेटे के रिश्ते को शुरुआत से एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक एंजल कभी भी उस तरीके से एवल हो ही नहीं सकता जैसा कि आप थी। मेरा हाथ लीजिए मदर। मदर सुनते ही रानी के चेहरे पे एकदम से और ज्यादा घबराहट आने लग जाती है। रानी के मन में जो डर था वो एक बार फिर से साफ हो जाता है। भले ही इस वक्त रानी के पास डेविल जीन नहीं है, पर फिर भी उसका असली चेहरा एक बार फिर से सामने आता है। रानी बोलती है, तुम घिनौने चोर, तुम मनहूस, तुमने उसे हटा दिया, तुमने मेरे बच्चे को भी हटा दिया। डाय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो बोलता है, क्या बच्चा। डाय को लग रहा होता है कि रानी अपने डेविल पावर्स को अपना बच्चा क्यों पुकार रही है। तभी अचानक से रानी को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो रानी तक पहुंच जाता है और अपने हाथ से उसके सर को पकड़ लेता है। रानी चौंक कर बोलती है, क्या। जल्दी हम देखते हैं कि वेजिटो रानी के सर को पीछे की तरफ खींचता है और बोलता है कि देखो कौन है। वेजिटो रानी से कुछ भी नहीं बोलता और हंसते हुए रानी के सर को पकड़ के जमीन पे दे मारता है। वेजिटो चिल्लाता है, अब लेट जाओ एम्परर। सिर्फ इसे एक अटैक से रानी की हालत खराब हो जाती है और उसके पूरे चेहरे से खून निकलने लग जाता है। रानी डाई की तरफ देखती है और बोलती है, रुको डाई, कुछ करो। रानी के पास इस वक्त सिर्फ उसकी एंजेलिक ताकतें हैं और डिमोनिक ताकतों के बिना वो वेजिटो की ताकतों के आसपास भी नहीं है। इस वक्त उसके पास आर्च एंजल डाई से मदद मांगने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। वेजिटो रानी की तरफ देख के हंसता है और बोलता है, डाई कितनी अजीब बात है कि तुम अब उसे पुकार रही हो, क्योंकि अभी कुछ मिनटों पहले तक तुम उसी को मारने की बातें कर रही थी। लगता है तुम सच में उस बेवकूफ औरत बुलमा की तरह हो जिसे पता ही नहीं कि उसे कब क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने पैर को उठाता है और रानी के सर को कुचलने के लिए तैयार होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे लगता है कि सभी के लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अगला फैसला मैं ही कर दूं। अलविदा आखिरी एम्परर, उम्मीद है कि अब तुम आगे से ज्यादा पिया नहीं करोगी। रानी समझ जाती है कि वेजिटो क्या करने वाला है। वो एकदम से चिल्लाती है, रुको नहीं। वेजिटो अपने पैर की सारी मसल्स को टाइट करता है और एकदम से ही रानी के चेहरे को कुचल देता है। इतनी बेरहमी दिखाने के बाद हम देखते हैं कि रानी का खून हर तरफ फैल जाता है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है, परफेक्ट। रानी का खून इतनी जोर से उछला होता है कि वो डाय के चेहरे तक भी पहुंच जाता है। डाय ने अभी अभी जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो चौंक कर बोलता है, मदर। वेजिटो इसके बाद पागलों की तरह हंसने लग जाता है और वो सच में एक डीमन की तरह लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है, देखा डाय, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा या फिर उससे भी ज्यादा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे पुराने दोस्त। वेजिटो इसके बाद हंसते हुए डाय की तरफ देखता है और बोलता है कि डाय, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। अब ये मत कहना कि तुम उस बुढ़िया से अभी भी प्यार करते थे। उसके आखिरी समय में उसके आखिरी शब्द जब वो एक प्योर एंजल बन चुकी थी उस समय भी उसके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत थी और वो सिर्फ तुम्हारे लिए गलत बोल रही थी। उसके साथ यही होना चाहिए था और ये बात तुम भी जानते हो। वेजिटो डाय की तरफ देखते देखते अपने हाथ के साथ कुछ कर रहा होता है और एक मशीन की तरह अपने हाथ को खोल रहा होता है। आखिर वेजिटो अब क्या करेगा, क्या वो डाय पे भी अटैक करेगा या फिर अब कुछ और होने वाला है या फिर डाय वेजिटो से बदला लेगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। ये बहुत ही कमाल की मांगा लिखी है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा
और ऐसी ही वीडियोस को आगे भी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।